हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मिथ, एक जानकारी रिगार्डिंग द राइनोप्लास्टी। दैट मींस कि दूरबीन वर्सेस ओपन अप्रोच, यानी लेजर से और ओपन अप्रोच। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका ये क्वेरी होता है कि सर मेरे को लेजर से कराना है या मेरे को ओपन अप्रोच से कराना है, कौन सा राइनोप्लास्टी मेथड्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, राइनोप्लास्टी एक नोज जॉब है, एक नोज सर्जरी है जिसमें नोज को रीसेप एंड रीसाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स के हिसाब से उसको समायोजित किया जाता है। वो कॉस्मेटिक भी हो सकता है, वो फंक्शनल भी हो सकता है। अब इसको जो करने के दो तरीके होते हैं, एक अमूमन जिसको हम बोलते हैं दूरबीन से और लेजर से। दोस्तों, इसमें जो नोज़ के अंदर जो बाहर कहीं निशान, बाहर कोई चीरा ऐसा नहीं होता, नोज़ के अंदर के साइड से जो है वो नोज़ का जो है इंसिजन लगा के और इस नोज़ को स्किन को ऊपर उठा के अंदर वर्क किया जाता है, जिसको अमूमन हम एंडोनेजल अप्रोच और दूरबीन से या लेजर से बोला जाता है। दोस्तों, दूसरा जो मेथड्स होता है वो ओपन अप्रोच होता है, जिसमें इन दोनों जो इंसिजन को, दोनों जो चीरे अंदर लगते हैं, उन चीरे को यहाँ मिला के इसको पूरा का पूरा डिग्लोविंग कर लिया जाता है, जिससे अंदर की जो विकृति, अंदर की जो डिफॉर्मिटी अपने को अच्छे से विजिबल हो सकती है और उसको करेक्ट किया जाता है। अब ये एंडोनेजल और ओपन अप्रोच और दूरबीन से या लेजर से और ओपन अप्रोच, पेशेंट बहुत कन्फ्यूज होता है, मेरे को कौन सा कराना है सर। दोस्तों, ये एक सर्जन का डिसीजन होता है कि वो कौन सी चीज़ में उसकी मास्टरी है, फर्स्ट। सेकंड, उसमें ये देखा जाता है कि आपके नोज की जो विकृति की मात्रा कितनी है। अगर आपके नोज के माइनर बम्प है एंड आपके नोज के ऊपर यहाँ पे कोई टिप जो है उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो जो दूरबीन या एंडोनेजल से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके नोज की विकृति है, क्रूकड नोज है, नोज टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा है, नोज के टिप में बहुत ज़्यादा विकृति है, आपको एक्सट्रीम जो है वो DNS है, या आपका पहले एक या दो बार सर्जरी हुआ हुआ है, दोस्तों ऐसे नोज की विकृति में आपको दूरबीन, लेजर या एंडोनेजल अप्रोच कभी कारगर नहीं होती। आपको ऐसा नहीं कि जो है वो उससे, वो मेथड से आपको नहीं कर सकते, उसके लिए ओपन अप्रोच बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ सर्जन को विजिबल होती है और जो है उसमें और कोई रिस्क नहीं होता, वो पूरी डिफॉर्मिटी हम करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये सर्जन का डिसीजन होता है, नोज की डिफॉर्मिटी की विकृति पे निर्भर करता है कि कौन सी अप्रोच से उसको ठीक किया जा सकता है। अमूमन जो लोगों में एक डर होता है कि दूरबीन वाली जो और लेजर वाली जो राइनोप्लास्टी है उससे निशान नहीं है, अगर दोस्तों ऐसा सेम ही ओपन अप्रोच में भी होता है, अगर सर्जन जो है वो उसका जो सूचर लगाने का कैलिबर है, क्योंकि जो आजकल सूचर्स होते हैं जो इसमें लगाए जाते हैं वो 70 micron, जस्ट लाइक बाल जितने होते हैं, जो 10 days बाद जब हम प्लास्टर हटाते हैं, ड्रेसिंग हटाते हैं, तो नोबडी कैन रिकोगनाइज, कोई निशान नहीं आता, कोई उसके अंदर कोई जो है आपको विजिबल नहीं होता। सो ये मिथ दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मेरे को दूरबीन वाला या लेजर वाला ही कराना है, और आपको जो है वो सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो उसकी डिफॉर्मिटी से, जो उसको डिसीजन से जो बेस्ट मेथड लग रहा है, अल्टीमेट और गोल जो उद्देश्य है आपके नोज की विकृति फंक्शनली एंड कॉस्मेटिक ठीक होनी चाहिए। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड फैमिली, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड जाते जाते इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ की जानकारी दोस्तों आपको मिलती रहे। थैंक यू।